हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अफ्सा प्रोडक्शन हाउस के मंच पे। दोस्तों, वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि भाई इस वीडियो के थ्रू हम बनाने वाले हैं फैंटेसी क्रिकेट की एक परफेक्ट टीम, यानी कि एक विनिंग टीम, और जानेंगे भाई आज के मैच में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस करके हमारी फैंटेसी क्रिकेट की टीम को जिताने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो भाई वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये वीडियो आपको फैंटेसी क्रिकेट की टीम बनाने में, यानी कि भाई जानना है कौन सा खिलाड़ी अच्छे रन मारेगा, कौन सा खिलाड़ी अच्छी विकेट निकालेगा, किसको कैप्टन बनाना है, किसको वाइस कैप्टन बनाना है यहाँ के मैदान पर, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत ही अच्छे खासे रन मारता है, विकेट निकालता है, यानी कि बहुत कुछ है भाई इस वीडियो के थ्रू। अगर ये आप वीडियो स्किप करते हो तो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है आपको। तो भाई अगर फायदे में रहना है तो भाई ये वीडियो पूरी की पूरी आपको देखनी पड़ेगी। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, लेकिन भाई फायदेमंद तो होने ही वाली है ना। और साथ ही साथ भाई मैं वीडियो के लास्ट में बनाकर भी दूंगा एक बहुत ही परफेक्ट टीम जिसके साथ आप खेल सकते हैं। तो भाई सबसे पहले जानते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप का भाई मैच नंबर 7 जो खेला जाने वाला है इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच में। तो भाई कौन से ऐसे खिलाड़ी होने वाले हैं जो अपनी टीम को बहुत ही ऊंचाई तक ले जाएंगे, अपनी टीम को जिताएंगे, साथ ही साथ हमारी फैंटेसी क्रिकेट पर भी थोड़ी बहुत छींटे मारते हुए जाएंगे। थर्सडे 10 अक्टूबर 2 बजे से आप इस मैच को लाइव देख सकते हैं, और ये मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाने वाला है। तो भाई यहां के मैदान पर कौन से खिलाड़ी का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, ये सारी चीजें जानेंगे। लेकिन उससे पहले भाई पिच के बारे में भी जान लेते हैं कि भाई ये जो पिच है क्या कहता है, यानी कि यहां पर जो बल्लेबाज होते हैं उनकी बैटिंग अच्छी होती है, जो गेंदबाज होते हैं वो कमाल करते हैं, सारा कुछ जानेंगे बस थोड़ी सी देर में। यहाँ के मैदान पर भाई अभी तक 5 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से एक ही मैच अभी तक डिफेंड हुआ है और 4 मैच चेज हुए हैं। यहाँ पर भाई कहानी कुछ उलट फेर दिखाई दे रही है। एवरेज स्कोर इस मैदान का 249 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 240 से कम का स्कोर अगर इस मैदान पर बनता है तो भाई मैच जो चेज होने के चांस ना बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, और 270 से प्लस का स्कोर बनता है तो भाई मैच जो है डिफेंड होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं। फर्स्ट इनिंग का जो हाईएस्ट स्कोर है इस मैदान पर भाई वो इंडिया के नाम पर है, 330 रन बनाए थे इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर। और फर्स्ट इनिंग का जो लोवेस्ट स्कोर है वो भी भाई इंडिया के नाम पर ही 112 रन इन्होंने बनाए थे 10 विकेट खोकर। हाईएस्ट स्कोर जो इस मैदान पर चेज हुआ है वो भाई 226 रन इंग्लैंड ने किया था इंडिया के सामने 2013 में, और लोवेस्ट स्कोर इस मैदान पर जो डिफेंड हुआ है 330 रन इंडिया ने किया था वेस्ट इंडीज के सामने 2014 में। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें तो भाई 200 से कम का स्कोर इस मैदान पर अभी तक 3 बार बन चुका है, और 200 से 249 के बीच में इस मैदान पर स्कोर 1 बार बना है, 250 से 299 के बीच में स्कोर अभी तक इस मैदान पर नहीं बना है, 300 से ऊपर का स्कोर 1 ही बार इस मैदान पर बना है। इस मैदान का जो सरफेस है ना वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, यानी कि भाई हार्ड होने की वजह से यहाँ की जो कंडीशन रहती है वो बैटिंग कंडीशन रहती है, यानी कि यहाँ पर जो बल्लेबाज होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं कि हाई रन बनाए, मतलब अच्छे से उनके बैट पर गेंद आती है, वो सही से खेल पाते हैं। लेकिन भाई यहाँ के मैदान पर जो पेस गेंदबाज होते ना वो भी कमाल करते हुए नजर आते हैं, उनकी गेंद जो होती है टप्पा खाकर भाई इधर उधर जाती है, वो विकेट लेने के चांस उनके ज़्यादा हो जाते हैं। बाउंड्री लेंथ की अगर बात करें तो 59 से 70 मीटर की आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ के मैदान पर जो मैचेस होते हैं वो आपको मीडियम स्कोरिंग ही देखने को मिलेगा। अगर भाई 1 से 10 ओवर के बीच में रनों की बात करें तो आपको देखने को मिल सकते हैं 45 से 50 रन, और 40 ओवर तक आपको स्कोर देखने को मिल सकता है 160 से 180 के बीच में, और 50 ओवर तक आपको इस मैच में स्कोर देखने को मिल सकता है वो है 240 से 260 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहां पर हमने पिच के बारे में भी जान लिया है, अब जानते हैं कि भाई दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है, और इसमें से कौन सा ऐसा बल्लेबाज, कौन सा ऐसा गेंदबाज होगा जो भाई आज के मैच में तबाही मचाएगा, हमें अपनी फैंटेसी क्रिकेट में रखना चाहिए और हमारी फैंटेसी क्रिकेट को जिताएगा।
सबसे पहले बात करते हैं भाई इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो भाई आपको जॉनी ब्रेस्टो के साथ डेविड मलान ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तीसरे नंबर पे आपको जो रूट, चौथे नंबर पे बेन स्टोक, पांचवें नंबर पे आपको जॉस बटलर, छठे नंबर पे आपको लियाम लिविंगस्टन और सातवें नंबर पे मोइन अली, आठवें नंबर पे सैम करन, नौवें नंबर पे क्रिस वॉक्स खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करें भाई दसवें नंबर की तो आदिल रसीद और ग्यारहवें नंबर पे आपको रेस टोपली खेलते हुए नजर आएंगे। अब वहीं बात करते हैं भाई बांग्लादेश की क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11। तो भाई ये होने वाली है बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11, तंजीद हसन के साथ भाई लिंटन दास आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। वहीं तीसरे नंबर पे आपको खेलते हुए दिखाई देंगे नजमुल हुसैन संतो, चौथे नंबर पे मेहंदी हसन मिराज, पांचवें नंबर पे आपको साकिब अल हसन और छठे नंबर पे मुशफिकुर रहीम और सातवें नंबर पे खेलते हुए नजर आएंगे आपको तोहीद हरदो और आठवें नंबर पे मोहम्मदुल्ला रियाज, नौवें नंबर पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे तास्कीन अहमद, दसवें नंबर पे सौरफुल इस्लाम और ग्यारहवें नंबर पे आपको दिखाई देंगे मुस्तफिजुर रहमान। तो दोस्तों ये हो सकती है दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11। अगर इन दोनों टीमों में कोई भी चेंजेस होता है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मैच शुरू होने से पहले अपडेट दे देते हैं भाई ये खिलाड़ी खेलेगा और ये खिलाड़ी नहीं खेलेगा। और साथ ही साथ भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ना फैंटेसी क्रिकेट की एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन टीमें मिल जाती जो बहुत ही परफेक्ट होती हैं, बहुत ही एनालाइज करने के बाद हम आपको बना कर देते हैं। आप उन टीमों के साथ खेलोगे तो भाई जीतने के चांस बहुत ही ज्यादा आपके हाई रहते हैं। तो भाई ज्वाइन कहां से करना है हमारे टेलीग्राम चैनल को, भाई फटाक से चले जाओ डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में जाओगे वहां पर जो पहला लिंक दिया है ना वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को फटाक से ज्वाइन कर लो। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं भाई कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको रखना है और कौन से खिलाड़ी को लात और घुसे मार के बाहर निकाल देना है। सबसे पहले बात करते हैं डेविड मलान की। भाई ये खिलाड़ी बहुत ही शानदार है, बहुत ही गजब का खिलाड़ी है। लास्ट के 10 मैच में भाई इस खिलाड़ी ने 605 रन बनाए, भाई लास्ट के 10 मैच में 605 रन जिसमें से 4 शतक इस खिलाड़ी ने लगाए और 2 हाफ सेंचुरी। भाई क्या लाजवाब बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है डेविड मलान। लास्ट के 10 मैच में भाई इस खिलाड़ी ने 605 रन बनाए हैं, 605 रन लास्ट के 10 मैच में जिसमें भाई 3 शतक इस खिलाड़ी ने लगाए हैं और 3 हाफ सेंचुरी डेविड मलान ने लगाई। यानी कि हर मैच में अच्छे अच्छे गेंदबाजों को कुत्ता बनाता हुआ ये खिलाड़ी नजर आया है बांग्लादेश के सामने। भाई इस खिलाड़ी ने 3 मैचेस खेले हैं और उन 3 मैचों में 125 रन बनाए थे और 1 मैच में इस खिलाड़ी ने शतक भी लगाया था। यानी कि 1 मैच में शतक लगाया है और 2 मैच में थोड़ा सा जल्दी आउट होकर चले गए थे। लेकिन भाई ये खिलाड़ी ऐसा ना जब मैदान पर टिक जाता है ना तो भाई इनके बल्ले से चौके छक्के आपको देखने को मिलते हैं। इंडिया के मैदान पर भाई डेविड मलान ने 3 ओडीआई मैचेस खेले हैं और उन 3 मैचों में 70 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं जिसमें 1 हाफ सेंचुरी भी इस खिलाड़ी ने लगाई है। वर्ल्ड कप की बात करें तो भाई वर्ल्ड कप में भी इस खिलाड़ी का जो बल्ला था ना वो थोड़ा सा स्लो हमको दिखाई दिया। 1 मैच है हालांकि इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप का खेला है, उस मैच में 14 पे ही आउट होकर चले गए थे। और बांग्लादेश के कुछ ऐसे गेंदबाज है ना जो इस खिलाड़ी की अहमियत को जानते हैं और इस खिलाड़ी को सोचते हैं कि भाई कब हम इसको आउट कर दें और आधे से ज़्यादा मैच अपने हाथ में ले लें। तो भाई वो गेंदबाज तास्कीन अहमद, ये जो तो गेंदबाज है ना भाई अपनी गेंदबाजी में इस खिलाड़ी को थोड़ा सा फंसा लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में खिलाड़ी फंसने वसने वाला नहीं है, कम से कम इनके बल्ले से भाई 60-70-80-100 के ऊपर भी रन देख सकते हैं आज के मैच में। तो भाई इस खिलाड़ी को हमें अपनी टीम में रखना है और साथ ही साथ क्या करना है भाई कैप्टन या फिर वॉइस कैप्टन बनाना है, तभी तो भाई ये खिलाड़ी हमारी फैंटेसी क्रिकेट की टीम को जिताएगा। वही दोस्तों अगर बात करें जॉनी ब्रेस्टो की तो भाई जॉनी यस पापा बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है यार। हालांकि लास्ट के 10 मैच में 253 रन इस खिलाड़ी ने बनाए थे लेकिन भाई ये जो मैच है ना 100वां मैच होने वाला है जॉनी ब्रेस्टो का, तो भाई 100वें मैच मुझे लगता है ना जॉनी ब्रेस्टो कमाल करके दिखाएगा क्योंकि बांग्लादेश के सामने इस खिलाड़ी ने भाई 4 मैच खेले हैं, 101 रन बनाए हैं। इंडिया के मैदान पर भाई 9 मैचेस ओडीआई की खेल चुके हैं और उन 9 मैचों में इस खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, 356 रन इस खिलाड़ी ने 9 मैचों में बनाए हैं। वर्ल्ड कप की बात करें तो भाई जॉनी ब्रेस्टो ने 12 मैचेस वर्ल्ड कप के खेले हैं जिसमें से 565 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं, 565 रन 12 मैचों में वर्ल्ड कप के काफी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ 2 शतक इस खिलाड़ी ने लगाए थे और 2 हाफ सेंचुरी भी जॉनी ब्रेस्टो ने
लगाई। हालांकि कभी कभी बांग्लादेश के जो गेंदबाज हैं इनको अपनी गेंदबाजी में फंसा कर आउट कर ले जाते हैं, लेकिन आज के मैच में मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जाएगा। और मेहंदी हसन के सामने, साकिब अल हसन के सामने थोड़ा सा जोनी ब्रस्टो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज भाई इनका 100वां मैच है, तो भाई क्या हो सकता है आज के मैच में ये खिलाड़ी 100 मार ही जाए। हाँ तो दोस्तों, इस खिलाड़ी को हमें अपनी टीम में जगह देनी है और साथ ही साथ कैप्टन या फिर वॉइस कैप्टन भी जोनी ब्रस्टो को कर देना है। जो रूट की अगर बात करें तो भाई ये खिलाड़ी भी बहुत ही शानदार है। पिछले मैच में आपने देखा होगा क्या कमाल की बल्लेबाजी इस खिलाड़ी ने करी थी। लास्ट के 10 मैच में 282 रन बना चुके हैं। बांग्लादेश के सामने भाई इस खिलाड़ी ने 3 मैचेस खेले हैं और उन 3 मैचों में 183 रन, यानी कि काफी शानदार पारी इन्होंने खेली है। उन 183 में भाई एक शतक भी इस खिलाड़ी ने लगाया है। हालांकि यहां के मैदान पर एक मैच इन्होंने खेला है और उस एक मैच में 31 रन बनाए थे, लेकिन भाई इंडिया के मैदान पर यह खिलाड़ी 7 ओडीआई मैचेस खेल चुका है और उन 7 मैचों में कमाल की बल्लेबाजी इस खिलाड़ी ने करी है, यानी कि जो रूट ने करी है। 372 रन 7 मैचों में कमाल की पारी भाई खेलता हुआ नजर आता है ये खिलाड़ी, और 4 हाफ सेंचुरी भी लगा चुके हैं। वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो भाई ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में भी कमाल करता है, तबाही मचाता है। 18 मैचेस भाई जो रूट ने वर्ल्ड कप के खेले हैं, 835 रन इस खिलाड़ी ने 18 मैचेस में बनाए हैं और साथ ही साथ भाई 3 शतक लगाए हैं, 4 हाफ सेंचुरी लगाई। कभी कभी भाई बांग्लादेश के कुछ ऐसे गेंदबाज के सामने ये जो खिलाड़ी ना थोड़ा सा फंसता हुआ हमको दिखाई देता है, जैसे साकिब अल हसन हो गए, मेहंदी हसन मिराज हो गए। ये जो गेंदबाज है ना अपनी गेंदबाजी में जो रूट को फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के मैच में मुझे नहीं लगता ये खिलाड़ी फंसने वाला है। 50-60 रन के आसपास भाई इस खिलाड़ी के बल्ले से आपको देखते हुए नजर आ सकते हैं। आप अगर 2-3 टीम बनाकर खेलते हैं तो भाई एक टीम में इस खिलाड़ी को कैप्टन या फिर वॉइस कैप्टन भी हम लोग कर सकते हैं, बाकी खिलाड़ी को तो अपनी टीम में रखना ही रखना है। वहीं दोस्तों अगर बात करें बेन स्टोक की, तो भाई इनके जो बल्ला है ना उनमें भाई बहुत स्टोक है। जब मैदान पर आते तो क्या गजब के चौके और छक्के लगाते। लास्ट के 10 मैच में 511 रन, लास्ट के 10 मैच में 511 रन, जिसमें एक शतक एक हाफ सेंचुरी, और साथ ही साथ भाई जब गेंदबाजी कराते हैं तो अपनी गेंदबाजी से भी कमाल करते हैं। लास्ट के 10 मैच में 3 विकेट अपने नाम पर बेन स्टोक कर चुके हैं। बांग्लादेश के सामने भाई इस खिलाड़ी ने 5 मैचेस खेले हैं और उन 5 मैचों में 154 रन, 5 मैचों में 154 रन, जिसमें एक शतक भी इस खिलाड़ी ने लगाया था। साथ ही साथ भाई 5 विकेट भी अपने नाम पर कर चुके हैं बेन स्टोक, यानी कि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी है ना उनकी वाट लगाता हुआ ये खिलाड़ी हमको नजर आता है। इंडिया के मैदान पर भाई इस खिलाड़ी ने 6 ओडीआई मैचेस खेले हैं, जिसमें भाई इस खिलाड़ी ने 255 रन बनाए हैं, 6 मैचों में 255 रन, और साथ ही साथ 8 विकेट भी भाई इस खिलाड़ी ने अपने नाम पर किए हैं। वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो बेन स्टोक ने भाई 11 मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप में और 465 रन बनाए, 11 मैचों में 465 रन, या ठीक ठाक परफॉर्मेंस कह सकते हैं, और साथ ही साथ 7 विकेट भी अपने नाम पर किए। आज के मैच में मुझे लगता है कि बेन स्टोक है ना सबकी बेन स्टोक करते हुए नजर आएंगे, लेकिन बांग्लादेश के कुछ ऐसे गेंदबाज जो उनको अपनी गेंदबाजी में फंसा लेते हैं, आउट कर देते हैं, जैसे कि भाई साकिब अल हसन हो गए, मुस्तफिजुर रहमान हो गए, लेकिन आज के मैच में भाई इसको आउट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 60-70 रन आराम से मार के जाएंगे, साथ ही साथ भाई जब गेंदबाजी कराएंगे तो एक आधा विकेट भी अपने नाम पर बेन स्टोक कर सकते हैं। तो भाई इस खिलाड़ी को हमें अपनी टीम में रखना है और साथ ही साथ कैप्टन या फिर वॉइस कैप्टन भी इस खिलाड़ी को करना है। वहीं अगर बात करें भाई जोस बटलर की, तो भाई जैसे ही मैदान पर आते हैं ना खुद तो बहुत सारा जोश लेके आते हैं, जो वहां पर ऑडियंस बैठी होती है ना उनके अंदर भी इनको देखकर बहुत सारा जोश आ जाता है, क्योंकि भाई लास्ट के 10 मैचों में जोस बटलर ने 555 रन बनाए, 555 भाई काफी कमाल की पारी खेलते हुए हमको नजर आते हैं। इन 555 में भाई एक शतक इस खिलाड़ी ने लगाया है और 3 हाफ सेंचुरी जोस बटलर के बल्ले से हमको दिखाई दिए। बांग्लादेश के सामने भाई इस खिलाड़ी ने 9 मैचेस खेले और उन 9 मैचों में 385 रन, 9 मैचों में 385 रन बांग्लादेश के सामने, यानी कि बांग्लादेश के जो गेंदबाज होते हैं उनकी ठीक ठाक कुटाई ये खिलाड़ी करता हुआ नजर आता है। और साथ में भाई विकेट कीपिंग भी करते हैं जोस बटलर, तो एक आधा कैच पकड़ेंगे, स्टंपिंग करेंगे, तो वहां से भी अच्छे खासे पॉइंट हमको ये खिलाड़ी देकर जा सकता है। हालांकि यहां के मैदान पर जोस बटलर ने एक मैच खेला, लेकिन उस मैच में इनकी बल्लेबाजी का नंबर ही नहीं आया, जो ऊपर के बल्लेबाज थे उन्होंने ही मैच को रफा दफा कर दिया था। इंडिया के मैदान पर भाई इस खिलाड़ी ने 9 ओडीआई के मैचेस खेले हैं और उन 9 मैचों में 128 रन, यानी कि कह सकते हैं भाई जोस बटलर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं इंडिया के मैदान पर।
वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो भाई जॉस बटलर ने 18 मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप के, जिसमें से 496 रन इस खिलाड़ी ने बनाए। आज के मैच में मुझे लगता है कि भाई जॉस बटलर कमाल की बल्लेबाजी करके जाएंगे, विकेट कीपरिंग भी करते हैं, वहां से भी कुछ पॉइंट हमको देकर जा सकते हैं। बाकी अगर आप 2-3 टीम बनाकर खेलते हो तो एक टीम में भाई इसी खिलाड़ी को ना कैप्टन या फिर वॉइस कैप्टन भी हम लोग कर सकते हैं। मोइन अली की अगर बात करें तो भाई ये खिलाड़ी ना आजकल गली गली फिर रहा है, क्योंकि जो इनकी परफॉर्मेंस है ना बहुत ही ज्यादा डगमगा चुकी है। बल्लेबाजी का नंबर आता है तो वहां पर भी कुछ नहीं कर पाते, गेंदबाजी कराते हैं तो भाई वहां भी इनसे कुछ नहीं होता है, इनकी उल्टा बहुत ही ज्यादा पिटाई हो जाती है। लास्ट के 10 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 209 रन और साथ ही साथ 10 विकेट, यानी कि जो इनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा डगमगाई हुई नजर आ रही मोइन अली जो फिर रहे गली गली। बांग्लादेश के सामने भी भाई जो इनकी परफॉर्मेंस है ना वो भी बहुत ही ज्यादा फुस हो जाती है। 8 मैचेस खेले हैं बांग्लादेश के सामने और सिर्फ 88 रन 8 मैचों में 88 रन, यार क्या कमाल की बल्लेबाजी नहीं कहेंगे। साथ ही साथ 5 विकेट भी लिए 8 मैचों में, 5 विकेट कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही है। इंडिया में भाई मोइन अली ने 7 ओडीआई मैचेस खेले जिसमें 155 रन बनाए हैं और सिर्फ 1 विकेट निकाला है। वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो 11 मैचेस इन्होंने खेले हैं 277 रन बनाए हैं, 9 विकेट अपने नाम पर किए हैं। यानी कि भाई मोइन अली जो है ना इनको अभी कुछ और करने की जरूरत है, यानी कि प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है, मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। इस टाइम जो इनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा डगमगा गई है और बांग्लादेश के जो ऐसे गेंदबाज है ना इनको मुझे लगता है कि भाई बहुत ही जल्दी पवेलियन वापस भेज देंगे और जो बल्लेबाज हैं वो इनको अपना विकेट नहीं देंगे। हाँ तो दोस्तों मोइन अली को मैं आज अपनी टीम में जगह नहीं दे रहा हूँ, बाकी अगर आप 2-3 टीम बनाकर खेलते हैं एक टीम में रखना चाहें तो भाई इस खिलाड़ी को जगह दे सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें लियाम लिविंगस्टन की तो भाई ये खिलाड़ी भी बहुत ही शानदार है, जब मैदान पर उतरता है तो भाई क्या चौके छक्के लगाता है और अपनी गेंदबाजी से भी कमाल करते हुए नजर आते हैं। हालांकि लास्ट के 10 मैच में 314 रन बना चुके हैं, 8 विकेट अपने नाम पर कर चुके हैं, तो लियाम लिविंगस्टन की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी ठीक ठाक नजर आ रही है। हालांकि बांग्लादेश के सामने अभी तक कोई भी मैचेस नहीं खेले हैं, इंडिया के मैदान पर ये खिलाड़ी 3 ओडीआई मैचेस खेल चुका है, 3 ओडीआई मैचेस ये खिलाड़ी खेल चुका है, उन 3 मैचों में 83 रन इस खिलाड़ी ने बनाए थे, हालांकि विकेट इनको कोई भी नहीं मिला था। वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो भाई लियाम ने एक मैच खेला है और सिर्फ 20 रन इन्होंने बनाए थे। लियाम जो है खिलाड़ी बहुत ही शानदार है, अपने बल्ले से नहीं तो भाई अपनी गेंदबाजी से कहीं ना कहीं कमाल करता हुआ आपको नजर आएगा। आज के मैच में मुझे लगता है कि ये जो खिलाड़ी है 30-35 रन आराम से मार सकता है, गेंदबाजी में भी एक आधा विकेट अपने नाम पर कर सकते हैं, तो भाई लियाम को भी हम अपनी टीम में आज के मैच में जगह दे सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो भाई सैम करन की तो भाई ये खिलाड़ी बिल्कुल मेरी तरह खेलता है, जी नहीं मेरी तरह नहीं, मुझसे भी बहुत ही शानदार तरीके से खेलता है। लास्ट के 10 मैचों में 203 रन, 10 मैचों में 203 रन, कभी कभी ना इनकी जो बल्लेबाजी ना बहुत ही ज्यादा नीचे आती है, कभी कभी आती भी नहीं, लेकिन जब गेंदबाजी कराते हैं ना तो भाई अपनी बल्लेबाजी का जो बदला होता है वो अपनी गेंदबाजी में निकाल लेते हैं। लास्ट के 10 मैच में 13 विकेट भी साथ में सैम करन ने अपने नाम पर किए हैं। बांग्लादेश के सामने इस खिलाड़ी ने 2 मैच खेले हैं, 2 मैचों में 56 रन बनाए और 6 विकेट अपने नाम पर किए, यानी कि जो बांग्लादेश के बल्लेबाज है ना उनको सैम करन बहुत ही जल्दी चलता कर देते हैं, यानी कि विकेट निकाल लेते हैं। इंडिया के मैदान पर भाई सैम करन ने 4 ओडीआई मैचेस खेले हैं, उन 4 मैचों में 131 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं और साथ ही साथ 3 विकेट भी अपने नाम पर किए। वर्ल्ड कप की बात करें तो भाई वर्ल्ड कप में सैम करन ने अभी तक एक ही मैच खेला है और उस एक मैच में 14 रन इस खिलाड़ी ने बनाए थे, 1 विकेट अपने नाम पर किया था। कभी कभी भाई बांग्लादेश के गेंदबाज इनको आउट करते हुए नजर आते हैं, जैसे मेहंदी हसन हो गए और साकिब अल हसन हो गए, ये इस खिलाड़ी को थोड़ा सा जल्दी आउट कर देते हैं, लेकिन आज के मैच में मुझे लगता है कि ये जो खिलाड़ी है ना ठीक ठाक परफॉर्मेंस करने जाने वाला है, तो भाई इसी खिलाड़ी को भी हमें अपनी टीम में आज के मैच में जगह देनी चाहिए। क्रिस वॉक्स की अगर बात करें भाई जो इनकी परफॉर्मेंस है ना वो अभी डगमगाई हुई नजर आ रही, लास्ट के 10 मैचों में 89 रन, 10 मैचों में 89 रन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं होती, हालांकि 12 विकेट इन्होंने अपने नाम पर किए हैं लास्ट के 10 मैचों में, लेकिन वो भी 12 विकेट कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कह सकते। बांग्लादेश के सामने भाई इस खिलाड़ी ने 8 मैचेस खेले हैं, 8 मैचों में 151 रन, 8 मैचों में 151 रन और सिर्फ 4 विकेट अपने नाम पर इन्होंने किए हैं। यहाँ के मैदान पर भाई इस खिलाड़ी ने एक मैच खेला है, हालांकि उस मैच में इनकी बल्लेबाजी का नंबर नहीं आया था, गेंदबाजी से 1 विकेट अपने नाम पर क्रिस वॉक्स ने किया था।
इंडिया के मैदान पर 6 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं, 6 ओडीआई मैचेस खेले लेकिन 59 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं। लेकिन उन 6 मैचों में इस खिलाड़ी ने भाई 8 विकेट अपने नाम पर किए थे, यानी कि कहीं कहीं भाई थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड कप की बात करें तो भाई वर्ल्ड कप में 17 मैचेस खेल चुके हैं और उन 17 मैचों में 213 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं और साथ ही साथ भाई 21 विकेट अपने नाम पर किए हैं। 17 मैचों में 213 रन, 21 विकेट, कुछ खास परफॉर्मेंस, ठीक ठाक परफॉर्मेंस कह सकते हैं, ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है। मेहंदी हसन, मिराज और तास्किन अहमद के सामने ये जो खिलाड़ी है फंसता हुआ नजर आता है। वैसे आज के मैच में मुझे लगता है ना जो क्रिस वोक्स है कुछ खास कमाल करके नहीं जा पाएंगे, अगर बल्लेबाजी का नंबर आया तो कुछ उनकी बल्लों से खास देखने को नहीं मिलेगा और गेंदबाजी में एक आधा विकेट हालांकि ले सकते हैं लेकिन थोड़ी बहुत इनकी पिटाई भी हो सकती है आज के मैच में। तो भाई इस खिलाड़ी को मैं अभी अपनी टीम में जगह नहीं दे रहा हूं, बाकी अगर आप 2-3 टीम बनाकर खेलते हैं, एक टीम में रखना चाहते हो तो भाई इस खिलाड़ी को जगह दे सकते हैं। आदिल रशीद की अगर बात करें तो भाई जो इनके पास रसीद है ना वो पूरी फिल करके आते हैं, यानी कि भाई जब मैदान पर आते हैं तो अपनी गेंदबाजी से भाई अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को हिला देते हैं। लास्ट के 10 मैच में 21 विकेट भाई आदिल रशीद के नाम पर है। बांग्लादेश के सामने भाई इसी खिलाड़ी ने 7 मैचेस खेले हैं, 7 मैचेस और 19 विकेट अपने नाम पर किए। भाई 7 मैचों में 19 विकेट आदिल रशीद ने कमाल कर दिया था, धमाल कर दिया। भाई बांग्लादेश के जो बल्लेबाज होते हैं ना भाई इनके सामने तो भाई डरते हुए मेरे को नजर आएंगे। हालांकि इंडिया के मैदान पर भाई इस खिलाड़ी ने आदिल रशीद ने 5 ODI मैचेस खेले हैं और उन 5 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट अपने नाम पर किए, लेकिन वर्ल्ड कप में 11 मैचेस इस खिलाड़ी ने खेले हैं और 11 विकेट अपने नाम पर किए। आज के मैच में मुझे लगता है कि भाई जो आदिल रशीद ना अच्छी खासी परफॉर्मेंस करके जाएंगे, बांग्लादेश वालों की बैंड बजाते हुए नजर आएंगे, तो भाई आदिल रशीद को भी हम आज अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। मार्क वुड की अगर बात करें तो भाई जो इनकी परफॉर्मेंस है ना थोड़ी सी डगमगाई हुई नजर आ सकती है। आज के मैच में हो सकता है ये खिलाड़ी खेले भी और ना भी खेले। लास्ट के 10 मैचों में 13 विकेट मार्क वुड के नाम पर है। बांग्लादेश के सामने 3 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 3 विकेट इनको मिले हैं। इंडिया के मैदान पर भाई मार्क वुड ने 3 ODI मैचेस खेले हैं और उन 3 मैचों में 5 विकेट अपने नाम पर इन्होंने किए हैं। वर्ल्ड कप के भाई मार्क वुड ने 11 मैचेस खेल चुके हैं और उन 11 मैचों में 18 विकेट अपने नाम पर कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो मार्क वुड की परफॉर्मेंस है ना थोड़ी सी डगमगाई हुई नजर आ रही है। कभी कभी भाई इनकी ना पिटाई बहुत ही ज्यादा, तो एक आधा विकेट मिल सकता है लेकिन पिटाई थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। आज के मैच में अगर ये खिलाड़ी खेलता है, मार्क वुड खेलते हैं, तो भाई मैं अपनी टीम में जगह नहीं दूंगा। आप भी इस खिलाड़ी से थोड़ा सा दूरी बनाकर रख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक टीम के खिलाड़ियों के बारे में जान लिया कि इसको रखना है किसको नहीं रखना है। अब जानते हैं दूसरी टीम के खिलाड़ियों के बारे में। मैं समझता हूँ दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये वीडियो आपको फैंटेसी क्रिकेट की टीम बनाने में। तो चलो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी की। तंजीद हसन तमीम की अगर बात करें तो भाई ये बुझे हुए गुब्बारे की तरह हो चुके हैं। इनके बल्ले से ना अभी तक कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही। लास्ट के 6 मैच में इस खिलाड़ी ने सिर्फ और सिर्फ 39 रन बनाए हैं। 6 मैचों में भाई 39 रन, बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ परफॉर्मेंस नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड के सामने अभी तक कोई भी मैचेस नहीं खेले, तो भाई इंग्लैंड के सामने कोई भी मैचेस नहीं खेले हैं तो एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी हम लोग कह सकते हैं। हालांकि यहाँ के मैदान पर 1 मैच खेला है और उस 1 मैच में सिर्फ उसी 5 रन बनाकर जल्दी पवेलियन वापस चले गए थे। सेम भाई रिकॉर्ड इनका यही कि इंडिया के मैदान पर एक ही ODI मैचेस इन्होंने खेला है, उस मैच में 5 रन बना के आउट हो गए थे। वर्ल्ड कप का ये इनका पहला ही मैच था, तो भाई अभी मुझे लग रहा है ना जो तंजीद हसन तमीम है ना आज के मैच में भी भाई कुछ खास परफॉर्मेंस करके नहीं जा पाएंगे, तो भाई इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में आज के मैच में जगह नहीं दूंगा। आप भी इस खिलाड़ी थोड़ा सा दूरी बनाकर रख सकते हैं। लिंटन दास की अगर बात करो तो भाई एक टाइम में ये खिलाड़ी इतना ज़बरदस्त हुआ करता था, जब मैदान पर आते थे जो चौके छक्के लगाते थे, लेकिन भाई अब इनको पता नहीं क्या हो गया है। लास्ट के 10 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 198 रन। इंग्लैंड के सामने भी भाई 3 मैचेस खेल चुके हैं और सिर्फ 7 रन बनाए। लिंटन दास भाई क्या हो गया है, कुछ तो करो यार, बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। यहाँ के मैदान पर भाई इस खिलाड़ी ने 1 मैच खेला है और उसी 1 मैच पे 13 रन इस खिलाड़ी ने बना है। सेम रिकॉर्ड इनका इंडिया में एक ही ODI मैच इन्होंने खेला है, उस मैच में भी सेम यही रिकॉर्ड है, 1 मैच खेला है, 13 रन इन्होंने बना है। लेकिन भाई
वर्ल्ड कप के ये खिलाड़ी भाई 6 मैचेस खेल चुका है और उन 6 मैचों में लिंटन दास ने सिर्फ और सिर्फ 97 रन बनाए। यानी कि कुल मिला के भाई लिंटन दास की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा खराब नजर आ रही है। तो भाई इस खराब खिलाड़ी को हम अपनी टीम में जगह नहीं देंगे और इंग्लैंड के कुछ ऐसे गेंदबाज है ना जो इनको मुझे लगता है कि आज बहुत ही जल्दी चलता बना देंगे, जैसे कि भाई सैम करन हो गए, मोइन अली हो गए, इनको बहुत ही जल्दी आउट करेंगे और बोलेंगे भाई तुम जाकर मैदान के बाहर से ही मैच देखो, वहीं से मैच देखते हुए अच्छे लगते हो आप। हाँ तो दोस्तों आज के मैच में मैं लिंटन दास को जगह नहीं दूंगा, आप भी इस खिलाड़ी से थोड़ा सा दूरी बनाकर रख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें मेहंदी हसन मिराज की तो भाई ये कमाल का खिलाड़ी है, मेहंदी मेहंदी छुड़ा के आते हैं और मैदान पर आते साथ ही ना जबरदस्त धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। लास्ट के 10 मैचों में 285 रन और साथ ही साथ भाई जब गेंदबाजी कराते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों को बोलते हैं भाई जाओ मेहंदी लगाओ और बाहर जाकर वहां से मैच देखो। यानी कि लास्ट के 10 मैचों में 10 विकेट अपने नाम पर मेहंदी हसन मिराज कर चुके हैं। इंग्लैंड के सामने 4 मैचेस खेले हैं, 31 रन बनाए, हालांकि बल्ला इनका 4 मैचों में ठीक ठाक नहीं चला लेकिन गेंदबाजी से कमाल किया है, 7 विकेट अपने नाम पर कर चुके हैं। यहां के मैदान पर भाई इस खिलाड़ी ने 1 मैच खेला है और उस 1 मैच में 57 रन, 1 मैच में मेहंदी हसन ने 57 रन बनाए हैं और 3 विकेट अपने नाम पर किए। और वहीं भाई इंडिया के मैदान पर 1 ही मैच खेला है, सेम जो मैंने रिकॉर्ड अभी बताया, 1 मैच खेला है, 57 रन और 3 विकेट, ये इंडिया के मैदान पर ही इन्होंने कमाल और धमाल मचाया था। वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो 8 मैचेस खेल चुके हैं वर्ल्ड कप के, 94 रन बना चुके हैं और साथ ही साथ 9 विकेट भी अपने नाम पर कर चुके हैं। कुल मिला के भाई मेहंदी हसन मिराज जो है अपनी बल्लेबाजी से भी कमाल करते हैं, अपनी गेंदबाजी से भी कमाल करते हैं, आज के मैच में भी कमाल और धमाल मचाने वाले हैं। लेकिन इंग्लैंड के कुछ ऐसे गेंदबाज जो इनको आउट कर सकते हैं आज के मैच में, जैसे आदिल रशीद हो गए, मोइन अली हो गए, बेन स्टोक्स हो गए, वो इनको अपनी गेंदबाजी में फंसा सकते हैं। लेकिन ये जो खिलाड़ी ना ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जाएगा तो भाई इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में जगह दे रहा हूं, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें नजमुल हुसैन संतो की तो भाई ये खिलाड़ी भी बहुत ही कमाल और धमाल का, यार क्या बल्लेबाजी करता है। लास्ट के 10 मैच में 621 रन, लास्ट के 10 मैच में 621 रन, यार कमाल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है। इन 621 में भाई इस खिलाड़ी 2 शतक हैं और 4 हाफ सेंचुरी, यानी कि कमाल की बल्लेबाजी नजमुल हुसैन संतो की नजर आ रही है। इंग्लैंड के सामने भी भाई इनका जो बल्ला है वो बहुत ही अच्छे से चलता हुआ हमको नजर आता है। 3 मैचेस खेले हैं इंग्लैंड के सामने और उन 3 मैचों में 111 रन, यानी कि शगुन रख दिया है इंग्लैंड के हाथों में, ये लो भैया और आराम से बैठ जाओ। यहाँ के मैदान पर भाई इस खिलाड़ी ने 1 मैच खेला है और उस 1 मैच में 59 रन, यानी कि 59 रन 1 मैच में अच्छी खासी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। सेम यही रिकॉर्ड इनका इंडिया के मैदान पर 1 ही मैच ओडीआई का इन्होंने खेला है 59 रन, वर्ल्ड कप का भी भाई 1 मैच खेला है 59 रन, सेम यही रिकॉर्ड है। कभी कभी भाई थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं इंग्लैंड के कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जो इनको अपनी गेंदबाजी में फंसा लेते हैं, जैसे मार्क वुड हो गए, आदिल रशीद हो गए, सैम करन हो गए। लेकिन आज के मैच में मुझे लगता है ये जो खिलाड़ी है फंसने वसने वाला नहीं है, कम से कम भाई 40-50 रन के आसपास ये खिलाड़ी मार के जा सकता है, अगर मैदान पर टिक गया तो अच्छे खासे रन भी देखने को मिल सकते हैं। तो भाई इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में आज के मैच में जगह दे सकता हूं, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। साकिब अल हसन की अगर बात करें तो भाई ये भी कमाल का ऑलराउंडर है, अपने बल्ले से भी कमाल करता हुआ नजर आता है, अपनी गेंदबाजी से भी कमाल करता हुआ नजर आता है। लास्ट के 10 मैचों में 295 रन, 10 मैचों में 295 रन और साथ ही साथ भाई 11 विकेट अपने नाम पर साकिब अल हसन ने अपने नाम पर किए हैं। इंग्लैंड के सामने भाई साकिब अल हसन ने 17 मैचेस खेले, 17 मैचेस और 543 रन इस खिलाड़ी ने बनाए, यानी कि कमाल की बल्लेबाजी करी है इंग्लैंड के सामने और साथ ही साथ भाई गेंदबाजी भी करता हुआ नजर आता है ये खिलाड़ी। तो 17 मैचों में 19 विकेट अपने नाम पर किए हैं। वहीं बात करें भाई यहां के मैदान पर इस खिलाड़ी की क्या परफॉर्मेंस, साकिब अल हसन ने यहां के मैदान पर 1 मैच खेला है और 14 रन बनाए, 1 मैच खेला है 14 रन बनाए, लेकिन उस 1 मैच में 3 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाले थे। वहीं भाई इंडिया के मैदान पर भी सेम इस खिलाड़ी ने 1 ODI मैच खेला, 1 मैच खेला, 14 रन बनाए थे और 3 विकेट अपने नाम पर किए थे, यानी कि कमाल की परफॉर्मेंस इंडिया में करते हुए भी साकिब अल हसन नजर आते हैं। वर्ल्ड कप के भाई 30 मैचेस खेल चुका है ये खिलाड़ी भाई, 30 मैचेस वर्ल्ड कप के, यानी कि भाई इस खिलाड़ी के पास ना एक्सपीरियंस की कमी अब बची नहीं है, यानी कि इतना एक्सपीरियंस हो गया मुझे तो लगता है कि भाई दबा के कूट कूट के अंदर एक्सपीरियंस भरा हुआ है। और उन 30 मैचों में
1150 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं, साथ ही साथ भाई 37 विकेट अपने नाम पर किए हैं। तो भाई साकिब अल हसन जो है ना कमाल का ऑलराउंडर है, अपने बल्लेबाजी से भी आज के मैच में कमाल कर सकता है और अपनी गेंदबाजी से भी कमाल कर सकता है। तो भाई इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में जगह दे रहा हूँ और साथ ही साथ कैप्टन या फिर वॉइस कैप्टन भी मैं करूँगा इसको, किसको, साकिब अल हसन को। मुशफिकुर रहीम की अगर बात करें भाई, लास्ट के 10 मैच में इस खिलाड़ी ने 362 रन बनाए, 10 मैचों में 362 रन ठीक ठाक परफॉर्मेंस कह सकते हैं। इंग्लैंड के सामने भी 15 मैचेस खेले हैं और 375 रन बनाए, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है 15 मैचों में 375 रन। साथ ही साथ भाई ये खिलाड़ी जो है विकेट कीपिंग भी कर रहा है, तो एक आधा कैच पकड़ेगा, स्टंपिंग करेगा, तो वहां से भी कुछ पॉइंट हमको देकर जाएगा। वही बात करें भाई मुशफिकुर रहीम की, तो ये भी कमाल का विकेट कीपर है यार, लास्ट के 10 मैचों में 362 रन, 10 मैचों में 362 रन। इंग्लैंड के सामने भाई 15 मैचेस खेल चुके हैं और 15 मैचों में 575 रन, अच्छी खासी परफॉर्मेंस करता है ये खिलाड़ी और साथ ही साथ विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो भाई वहां से एक आधा कैच पकड़ेंगे, स्टंपिंग भी करेंगे, तो काफी अच्छे खासे पॉइंट हमको देकर जा सकते हैं। हालांकि यहाँ के मैदान पर अभी तक एक ही मैच खेले हैं और उस एक मैच में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 2 रन बनाए थे। इन इंडिया यानी कि इंडिया के मैदान पर एक ही ओडीआई मैच खेला है इन्होंने और उस मैच में भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही रन बनाए, यानी कि जो पिछला रिकॉर्ड है वो सेम इनका यहाँ ओडीआई का भी है। वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो भाई ये खिलाड़ी 15 मैच वर्ल्ड कप के खेल चुका है और उन 15 मैचों में 667 रन बना चुके हैं। उन 667 रन एक शतक भी शामिल है और 4 हाफ सेंचुरी भी इस खिलाड़ी की शामिल है। कभी कभी भाई फंसते हुए नजर आते हैं आदिल रशीद के सामने, बेन स्टोक के सामने, मोइन अली के सामने, लेकिन आज के मैच में मुझे लगता है ये जो खिलाड़ी 30-35-40 रन के आसपास मार सकता है, विकेट कीपिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट हमको देकर जा सकता है। तो भाई इसी खिलाड़ी को भी मैं अपनी टीम में जगह दे सकता हूं, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें मोहम्मदुल्लाह रियाज की, तो लास्ट के 10 मैचों में 291 रन, यानी कि भाई यहां पर जहां पर इनकी बल्लेबाजी आती है वहां पर ये खेलते हैं, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कह सकते 291 रन, साथ ही साथ 3 विकेट भी इन्होंने अपने नाम पर किए। लेकिन भाई इंग्लैंड के सामने भी काफी मैचेस खेल चुके हैं, यानी कि 15 मैचेस खेल चुके हैं इंग्लैंड के सामने। उन 15 मैचों में भाई इस खिलाड़ी ने 465 रन बनाए हैं, 465 रन 15 मैचों में। और भाई 2015 में इस खिलाड़ी ने ना इंग्लैंड के सामने लगाया था शतक, तो भाई आज के मैच में भी हो सकता है कि ये खिलाड़ी कमाल की परफॉर्मेंस करके जाए। यहाँ के मैदान पर भाई इस खिलाड़ी ने अभी तक एक मैच खेला, लेकिन उस मैच में इनकी बल्लेबाजी करने का नंबर ही नहीं आया था। अगर बात करें इंडिया में, भाई इंडिया में ये खिलाड़ी एक ओडीआई मैच खेल चुका है, सेम वही एक मैच खेला है, बल्लेबाजी का कोई नंबर नहीं आया था। वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो 18 मैचेस खेल चुके हैं वर्ल्ड कप के, 616 रन बना चुके हैं, 2 मैचों में शतक भी इस खिलाड़ी ने लगाया था और 3 विकेट भी अपने नाम पर किया था। तो कुल मिला के जो इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस है वो हमें ठीक ठाक ही नजर आ रही है, एवरेज परफॉर्मेंस भी हम कह सकते हैं। हालांकि मैं आज इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह नहीं दे रहा हूं, बाकी अगर आप 2-3 टीम बनाकर खेलते हैं तो भाई मोहम्मदुल्लाह रियाज को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। बाकी भाई अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो भाई इस खिलाड़ी को ना कैप्टन या फिर वॉइस कैप्टन भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये खिलाड़ी कमाल का है, कभी भी जब अपनी लय में आ जाता है तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की और अच्छे अच्छे गेंदबाजों की वाट लगाता हुआ हमको नजर आता है। तो ही धर्दों की अगर बात करें भाई लास्ट के 10 मैचों में 218 रन, 10 मैचों में 218 रन एवरेज परफॉर्मेंस कह सकते हैं। हालांकि भाई इंग्लैंड के सामने अभी तक कोई भी मैचेस नहीं खेले हैं, यहां के मैदान पर भी एक मैच खेला है, बल्लेबाजी का नंबर नहीं आया था। इंडिया में ये खिलाड़ी एक ही ओडीआई मैचेस खेला, जो पिछला रिकॉर्ड मैंने बताया था, एक मैच खेला, कोई भी नंबर नहीं आया बल्लेबाजी का, और सेम भाई वर्ल्ड कप में भी यही इनका रिकॉर्ड है। आज के मैच में मुझे लगता है कि जो तोही दर्दो है कुछ खास परफॉर्मेंस करके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भाई मोइन चाचा जो है, मोइन अली जो है ना, इस खिलाड़ी को अपनी गेंदबाजी में फंसा लेते हैं, जल्दी आउट कर देते हैं। तो भाई तोही दर्दो को मैं आज अपनी टीम में जगह नहीं दूंगा, आप भी इस खिलाड़ी से थोड़ा सा दूरी बनाकर रख सकते हैं। तास्किन अहमद की अगर बात करें तो भाई ये जो खिलाड़ी है कमाल की गेंदबाजी करता हुआ नजर आता है, लास्ट के 10 मैचों में 20 विकेट, यानी कि हर मैच में ये खिलाड़ी 2 विकेट निकालता हुआ नजर आता है, कभी कभी भाई ज्यादा विकेट भी निकाल सकता है, इनके अंदर वो पावर और वो एबिलिटी है। इंग्लैंड के सामने भाई इस खिलाड़ी ने 6 मैचेस खेले हैं और उन 6 मैचों में 9 विकेट अपने नाम पर किए हैं। हालांकि यहां के मैदान पर एक मैच खेला है, 1 विकेट अपने नाम पर किया है। इंडिया में एक ही ओडीआई मैचेस खेला है, 1 विकेट अपने नाम पर इन्होंने किया है। वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो 7 मैचेस वर्ल्ड कप के खेल चुके हैं, उन 7 मैचों
में 10 विकेट अपने नाम पर कर चुके हैं। कुल मिला के भाई जो ये खिलाड़ी ना, इस खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा शानदार और लाजवाब नजर आ रही है। तो भाई इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में आज के मैच में जगह दे सकता हूँ, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। मुस्तफिजुर रहमान की अगर बात करें तो भाई ये खिलाड़ी काफी लाजवाब है, काफी कमाल की गेंदबाजी करता हुआ नजर आता है। जब मैदान पर आते तो भाई क्या कमाल की गेंदबाजी कराते हैं, अच्छे अच्छे बल्लेबाज भाई इनके सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। लास्ट के 10 मैचों में 16 विकेट अपने नाम पर कर चुके हैं। इंग्लैंड के सामने 5 मैचेस खेले हैं, 6 विकेट अपने नाम पर कर चुका है। यहाँ के मैदान पर भाई इस खिलाड़ी ने अभी तक 1 मैच खेला है, 1 विकेट अपने नाम पर किया है। लेकिन भाई वर्ल्ड कप में इस खिलाड़ी ने तबाही मचाई है, 9 मैचेस वर्ल्ड कप के खेल चुके हैं और उन 9 मैचों में 21 विकेट अपने नाम पर कर चुके हैं। तो भाई मुस्तफिजुर रहमान कमाल का गेंदबाज है, तो भाई कमाल के गेंदबाज को हमें अपनी टीम में रखना है ताकि ये कमाल का गेंदबाज हमारी फैंटेसी क्रिकेट की टीम को जिता सके। सौरफुल इस्लाम की अगर बात करें भाई लास्ट के 10 मैचों में 18 विकेट अपने नाम पर कर चुके हैं, लेकिन इंग्लैंड के सामने अभी तक कोई भी मैचेस नहीं खेले। यहाँ के मैदान पर 1 मैच इन्होंने खेला था, 2 विकेट अपने नाम पर किया था इन इंडिया, यानी कि इंडिया के मैदान पर अभी तक एक ही ओडीआई मैच खेले हैं और उस 1 मैच में 2 विकेट इन्होंने अपने नाम पर किया था। वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो भाई वर्ल्ड कप में भी सेम इनका यही रिकॉर्ड है, 1 मैच खेला है, 2 विकेट अपने नाम पर किया है। हालांकि आज के मैच में मैं इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में जगह नहीं दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि आज के मैच में इस खिलाड़ी को एक आधा विकेट तो मिल जाएगा, थोड़ी बहुत इस खिलाड़ी को पिटाई भी हो सकती है। भाई सौरफुल इस्लाम को अपनी टीम में जगह नहीं दे रहा हूं, बाकी अगर आप 2-3 टीम बनाकर खेलते हैं तो एक टीम में अगर रखना चाहे तो इस खिलाड़ी को जगह दे सकते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने यहाँ पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बारे में जान लिया है, कौन सा खिलाड़ी धमाल और कमाल करने वाला है, कौन सा खिलाड़ी हमारी फैंटेसी क्रिकेट की टीम को जिताने वाला है। और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया था आपके भाई वीडियो के लास्ट में बनाकर देने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टीम, परफेक्ट टीम जिसके साथ आप खेलोगे तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो भाई ये रही हमारी फैंटेसी क्रिकेट की टीम, इस टीम के साथ अगर आप खेलते हैं तो आपके जीतने के चांस बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं। और साथ ही साथ भाई इस टीम के साथ ही साथ आपको 3 टीमें और मिल जाती हैं जो बहुत ही एनालाइज करने के बाद बहुत ही परफेक्ट टीम हम आपको बना कर देते हैं। वो कहां पर मिलती है भाई, हमारे टेलीग्राम पर मिलती है मैच शुरू होने से पहले। भाई अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाक से चले जाओ डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में जाओगे, वहां पर जो पहला लिंक दिखाई दे रहा वहां से जाकर ज्वाइन कर लेना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है हमारा टेलीग्राम चैनल भी। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कब करोगे, फटाक से सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हैं अगर पसंद आई हो तो। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और फैंटेसी पिक के साथ। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है फैंटेसी क्रिकेट की टीम बनाने में। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।